आज तो कड़क बारिश हो रही है इधर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज मी योर सुशांत पांडे एंड यू वाचिंग ब्रांड न्यू डे ऑफ सश ब्लॉग्स। कलयुग में हनुमान जी और उनके असिस्टेंट घूम रहे हैं। ये भी ठीक है। अब ये सिग्नल लोग आए अभी इधर स्पेक्स बनाने, उस पर थोड़े से स्क्रैचेस आ गए, तो नया एक देख रहे हैं, फ्रेम यही रखना है। बहुत सारे ऑप्शन है, अभी आइज ने टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसको बनवाए हुए। चश्मा बनाने के लिए भी एग्जाम देना पड़ता है इधर। चश्मा बनने के लिए दे दिया है, कल या परसों में दे देंगे वो। अभी हम आए एक शॉप पे जहाँ पे खाखरे वगैरह मिलते हैं काफी अच्छे और काफी सारे फ्लेवर में, तो उधर से देखते हैं। ये मिल गया अपने को पेरी पेरी इस टाइम, बट हम दूसरी दुकान पे आए आज, यहाँ पे रोली पोली करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। बाकी अचार मसाला भी है, देख लो इतने सारे तो हो गए, और कुछ देख लो लेना बस, और क्या ही लेना। मैगी ले ही गया हूँ, और ये चिप्स के पैकेट लगा, भी बनाना तो पड़ा ही है घर पे। आज तो भाई एक बज गए, डेढ़ बजने वाले करीब, इतने सारे काम निकल आ रहे हैं छोटे छोटे। अभी स्पेक्स बनाने को दिया, फिर इधर अपना स्नैक्स लिया, और इधर एक बुक का स्टोर है उधर चलते हैं। भाई गए हैं अभी, इतने कुछ बुक्स लेनी थी शायद उनको। अभी मैं राइड कर रहा था सुजुकी एसएस 125, और इसका परफॉर्मेंस काफ़ी सही लगा मेरे को, मतलब मज़ा आ गया भाई चला के। अभी हम जा रहे हैं बनाने रायता, वो भी कुकुम्बर का। ये है अपने पास कुकुम्बर, जिसको मैंने अभी कद्दूकस किया है, और बस सिंपल है एकदम रायता बनाना। जीरा पाउडर भुना हुआ डाल देंगे, और नमक, काला नमक, ब्लैक सॉल्ट। देखो जो मार्केट में आता है उसमें इतना स्वाद नहीं रहता जितना घर पे ऐसा तुरंत भून के डालो, तुरंत गर्मा गर्म पड़ गया इसमें गर्मा गर्म जीरा, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और ये बन के तैयार हो गया अपना रायता। आज बने छोले कुलचे चावल और रायता। रायता तो मैंने बनाया, चलो फटाफट टेस्ट करता हूँ रायता सबसे पहले, और बताता हूँ लोगों को कैसा है। कुलचे ट्राई करो, मजा आ गया, इनाम मिलेगा तुम्हारे को। शाम को चलते है बाहर घूमने, वॉकिंग पे। नहीं, कल चार अभी घी खा रहे हैं हम दबा के। वॉकिंग पे ले चलेंगे, कुछ खिलाएंगे नहीं। लंच हो गया अपना, और कुछ ज़्यादा ही हो गया आज तो, छोले कुलचे अभी चलते हैं, और डाइजेशन के लिए कुछ और रखते हैं इधर, देख रहे मैंने। ये रही आइसक्रीम, ये हमने कल खाई थी थोड़ी सी, और आज अभी लंच ज़्यादा हो गया, तो डाइजेशन के लिए कुछ तो इंतज़ाम करना पड़ेगा। ऐसे में आइसक्रीम जो है बहुत सही चीज़ होती है खाने के बाद। सुबह से मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, जब भी टाइम मिल रहा है किचन में आ रहा हूँ, एक चम्मच निकाल के खा लेता हूँ और निकल जाता हूँ साइड से। किसी को पता नहीं लगने देने। आओ जल्दी आओ, हम आए अभी नीचे थोड़ा सा वॉक करने शाम के टाइम में। शाम के अंधेरा ही हो गया बाहर तो, लेकिन सुबह से ये लोग अंदर बैठे हुए थे, तो सोचे थोड़ा बहुत घूम ही लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा माइंड। सेम गोलगप्पे की दुकान इधर चौराहा, ये सर्किल के बीच में जो पार्क है छोटा सा, उसमें आ गए हम लोग।
चलो अंदर। अच्छा है ना ये, कितना सही यूटिलाइज किया है इसको, ये जो चौराहे के बीच में सर्कल होता है ना उसको पार्क में कन्वर्ट कर दिया। चारों तरफ से गाड़ियां गुजर रही हैं, बीच में हम लोग घूम रहे हैं। घास एकदम रियल है, 100% रियल है, आर्टिफिशियल नहीं है ये। एक्चुअली मैं जब फिल्म कर रहा था मिशन मजनू, उस टाइम पे मेरे को रिक्वायरमेंट थी आर्मी बेस बनाना था, तो मैं लेके आया था। और ये स्क्वायर फीट में आती है पूरी, अराउंड 5-6 हज़ार की थोड़ी सी घास मिली थी अपने को, काफी कॉस्टली आती। इधर झूले का भी सिस्टम है पूरा, लाइट करने का, और इधर आप आई थिंक हैंग करने का था या फिर झूला लगा होगा बड़ा वाला, निकाल दिया। और यहाँ बीच में देखो ये शांति कुंज का जो मसाल है वो भी रखा है इधर, बच्चे पढ़ते हुए कार्डबोर्ड रहता है, इससे आप रख लो कि नीचे पर लगा के पढ़ो मॉर्निंग में। हाँ इधर भी है। सो ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं घूम के नीचे से, काफ़ी ज़्यादा वॉकिंग कर लिया, थकान लग गई है और गर्मी भी लग रही है अभी, तो चलते हैं थोड़ा फ्रेश होते हैं, हाथ पैर धुल के और फेश वॉश कर लेते हैं। बाकी आज के ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर कुछ भी चलाते हैं तो मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल गाइस, लव यू इंडिया।